अस्सलाम वालेकुम एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर नौशीबा सलमान एंड स्किन सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे, अपनी स्किन का ख्याल रख रहे होंगे और अपने बालों का ख्याल रख रहे होंगे। जी हाँ, हमारा आज का जो टॉपिक है वो बालों से रिलेटेड ही है। बालों का गिरना, बालों का टूटना इतना कॉमन है और ये सब एज ग्रुप्स में है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यंगस्टर्स में नहीं गिर रहे या नहीं गिरते और जो मैच्योर एज के लोग हैं उनमें बाल गिरते हैं, या लड़कों के गिरते हैं और लड़कियों के नहीं गिरते हैं। हर दूसरा बंदा जो है वो आके कहता है, हर दूसरा पेशेंट कहता है कि मेरे बाल गिर रहे हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो यही है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि बालों के गिरने की रीजंस या कॉजेस क्या होती हैं। बालों के गिरने की इंटरनल कॉजेस भी होती हैं और एक्सटर्नल भी होती हैं। एक्सटर्नल सबसे पहले देख लेते हैं। एक्सटर्नल कॉजेस जो हैं उसके अंदर हमारे ढेर सारे हीटिंग टूल्स जिनको हम इस्तेमाल करते हैं वो आते हैं। फिर जो है वो फैशन डाइज आते हैं, या ग्रे कवरेज के लिए हम जो डाइज यूज करते हैं वो आते हैं। उसके बाद जो है ऐसी बहुत सारी हमारी हैबिट्स हैं जो हमारे बालों को फ्रिजाइल करती हैं, वीक करती हैं और उनको अनहेल्दी बनाती है। वो क्या क्या है? ढेर सारे गर्म पानी से जो है वो अपने बालों को धोना, उसके बाद बालों को उल्टा करके अपने सर पे शैम्पाना, कंडीशनर लगाना और उनको उनको कोम भी करना। हर चीज जो है वो बालों को उल्टा करके करना। बालों को हमेशा उसी डायरेक्शन में आप वॉश करें जिसमें आपके बाल अल्लाह ताला ने बनाए हैं। आपने उससे ऑपोजिट में शावर में उनको नहीं वॉश करना, ऐसे उल्टा करके आपने उनको शैम्पू नहीं करना। उसके बाद एक और रीजन आता है डैंड्रफ। डैंड्रफ या सेबोरिया इतना कॉमन इशू है और जब ये आपके स्कैल्प पे होगा तो आपका स्कैल्प हेल्दी नहीं रहेगा, जब आपका स्कैल्प हेल्दी नहीं होगा तो आपके बाल भी हेल्दी नहीं रहेंगे। तो ये थे कुछ इस किस्म के इश्यूज या कॉमन कॉजेस जो कि एक्सटर्नल कॉजेस में आते हैं। बच्चों में तो या यंगस्टर्स में ऐसी भी कॉजेस हैं कि आप हैरान रह जाएंगे सुन के। एक तो आ जाता है कि ट्रैक्शन की वजह से, जैसे बहुत टाइट बालों को टाई करना और हर वक्त एक ही स्टाइल में टाई करना, उससे भी आप देखेंगे कि वहां से थिनिंग होना शुरू हो जाएगी। और उसका तरीका यही होता है कि आप बालों को मुख्तलिफ तरीके से टाई करें, डिफरेंट हेयर स्टाइल्स बनाया करें और उसके साथ साथ उनको लूज या अच्छे तरीके से टाई करें, उनको इतना कस के और इतना टाइट टाई ना करें कि ट्रैक्शन से आपके बाल जो हैं, आपकी हेयरलाइन पीछे जाना शुरू हो जाए। सब स्टैंडर्ड शैम्पूज, सब स्टैंडर्ड जेल्स हैं या इस तरह के बहुत सारे सीरम्स हैं, लीव ऑन मास्क होते हैं, सीरम्स होते हैं जो कि सब स्टैंडर्ड होते हैं या उनकी क्वालिटी ऐसी अच्छी नहीं होती कि आप उनका बेसिस पे यूज कर सकें, उससे भी आपके बाल खराब होते हैं। मैंने तो यहां तक देखा है कि बहुत सारे लोग ढेर सारा हेयर स्टाइलिंग स्प्रे जो है वो हर वक्त लगा के रखते हैं अपने बाल बनाने के लिए। आप सोच नहीं सकते कि ये सब की सब चीजें जो है ये मिलके आपके बालों को किस कदर डैमेज कर सकती हैं। और फिर आप देखेंगे कि आपके बाल टूटते हैं, वीक होते जा रहे हैं, फ्रिजाइल होते जा रहे हैं और यहां तक के गिरना भी शुरू हो सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि बालों के गिरने और टूटने में फर्क होता है। टूटने का मतलब ये है कि जब आप बालों को कोई फ्रिक्शन देते हैं, जैसे आप बालों को शैम्पू करते हैं या आप बालों को ब्रश करते हैं, तो आपका बाल टूटता है। और गिरने का मतलब ये कि हर जगह हर वक्त गिर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इधर गिरे हुए हैं बाल, इधर गिरे हुए हैं, जो कपड़े आप पहनते हैं उस पे बाल गिरते हैं और उसके अलावा जो पिलो है, आपका पिलो केस है जहां पे आप तकिया जिस पे आप सर रख के सोते हैं वहां पे बाल गिरे हुए हैं, जमीन पे बाल गिरे हुए हैं। मतलब लोगों को आपके गिरे हुए बालों से पता चल रहा होगा कि ये बंदा पहले कुछ देर पहले यहाँ पे आया था। तो ऐसा भी होता है। ज्यादातर अगर आपके बाल टूटते हैं तो उसमें एक्सटर्नल कॉजेस होती हैं, और अगर आपके बाल गिर रहे होते हैं, जड़ से गिर रहे होते हैं, तो उसमें मोस्ट लाइकली इंटरनल कॉजेस जरूर होती हैं। एक्सटर्नल भी उसके साथ हो सकती है लेकिन इंटरनल कॉजेस ज्यादातर होती हैं। अब हम आ जाते हैं कि इंटरनल कॉज क्या क्या हो सकती है। कोई लॉन्गर ड्यूरेशन की इलनेस, यानी कि अगर आप ज्यादा अरसे के लिए बीमार रहें तो उससे भी बाल ऐसे हो सकते हैं। उसके अलावा होगा कि ये बंदा पहले कुछ देर पहले यहाँ पे आया था, तो ऐसा भी होता है। ज्यादातर अगर आपके बाल टूटते हैं तो उसमें एक्सटर्नल कॉजेस होती हैं, और अगर आपके बाल गिर रहे होते हैं, जड़ से गिर रहे होते हैं, तो उसमें मोस्ट लाइकली इंटरनल कॉजेस जरूर होती हैं। एक्सटर्नल भी उसके साथ हो सकती है लेकिन इंटरनल कॉजेस ज्यादातर होती हैं। अब हम आ जाते हैं कि इंटरनल कॉज क्या क्या हो सकती है। कोई लॉन्गर ड्यूरेशन की इलनेस, यानी कि अगर आप ज्यादा अरसे के लिए बीमार रहें तो उससे भी बाल ऐसे हो सकते हैं।
उसके अलावा अगर आपकी बॉडी के अंदर जो है कोई डेफिशिएंसी चल रही हो, चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपने चेक करना है कि उनकी डेफिशिएंसी ना हो, वरना फिर आपके बाल अच्छे नहीं रह सकते। विटामिन B12 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन जो कि बालों को हेल्दी रखने में हेल्प करता है और बहुत ही जरूरी है, इट्स एसेंशियल। उसके बाद आपका हीमोग्लोबिन, यानी कि आपकी बॉडी में आपका हीमोग्लोबिन पूरा होना चाहिए, वो कम होगा तो भी बाल अच्छे नहीं रहेंगे। उसके बाद आ जाते हैं थायरॉइड, T3, T4, TSH, फ्री थायरॉइड जो है वो आपके चेक्ड होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको थायरॉइड का इश्यू होता है तो फिर उसमें भी आपके बाल रफ होंगे, ब्रिटल होंगे, वीक होंगे और गिरेंगे, टूटेंगे। और इसके अलावा विटामिन बी तो भाई हर जगह पहुंच जाता है। विटामिन बी जो है वो मोस्ट एसेंशियल विटामिन है, वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल विटामिन है, और इसका पूरा रहना बहुत जरूरी है ताकि हमारी सेहत और हमारे बाल दोनों अच्छे रह सके। आपके बाल रफ होंगे, ब्रिटल होंगे, वीक होंगे और गिरेंगे, टूटेंगे। और इसके अलावा विटामिन डी तो भाई हर जगह पहुंच जाता है। विटामिन डी जो है वो मोस्ट एसेंशियल विटामिन है, वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल विटामिन है, और इसका पूरा रहना बहुत जरूरी है ताकि हमारी सेहत और हमारे बाल दोनों अच्छे रह सके। ये तो थे कुछ फैक्टर्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर करने थे, ताकि आप लोगों को ये अंदाजा हो सके कि आप लोगों के बाल जो हैं वो क्यों गिर रहे हैं, और आपको बात समझ में आ जाए कि कोई इंटरनल कॉज है या कोई एक्सटर्नल कॉज है। अगर तो आप कुछ चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में कर लेते हैं, डाइट में करते हैं, उसके बावजूद आपके बाल गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे, तो फिर बहुत जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो इंटरनल कॉजेज, एक्सटर्नल कॉजेज, जो आपकी रूटीन है वो सब कुछ आपसे डिस्कस कर लेगा। उसके बाद जो है वो एग्जामिनेशन भी करेगा, और उसके साथ साथ जो है वो हमें ब्लड केमिस्ट्री कराने की जरूरत है या टेस्ट कराने की जरूरत है तो वो भी कर लेगा। उसके बाद बारी आती है कि आपको सबसे पहले तो एप्लीकेशंस दिए जाते हैं। एप्लीकेशंस के साथ साथ ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जो कि एक्टिव हेयर फॉल को रोकते हैं। वो क्या है? इसमें हेयर लाइट बहुत अच्छी रहती है। हेयर लाइट लेने से आपका जो स्कैल्प होता है ना सिर्फ वो हेल्दी होता है, आपकी डैंड्रफ भी कवर होती है, और उसके अलावा ये आपके हेयर वी ग्रोथ को प्रमोट करता है, बालों को स्ट्रांग है तो वो भी कर लेगा। उसके बाद बारी आती है कि आपको सबसे पहले तो एप्लीकेशंस दिए जाते हैं। एप्लीकेशंस के साथ साथ ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जो कि एक्टिव हेयर फॉल को रोकते हैं। वो क्या है? इसमें हेयर लाइट बहुत अच्छी रहती है। हेयर लाइट लेने से आपका जो स्कैल्प होता है ना सिर्फ वो हेल्दी होता है, आपकी डैंड्रफ भी कवर होती है, और उसके अलावा ये आपके हेयर वी ग्रोथ को प्रमोट करता है, बालों को स्ट्रांग करता है, और उसकी वजह से बालों का गिरना टूटना खत्म करता है। तो हेयर लाइट बहुत ही सिंपल चीज होती है, एक स्पेसिफिक लाइट होती है जिसमें हम स्कैल्प को एक्सपोज करते हैं। उसके बाद आ जाता है जी मीजोथेरेपी। मीजोथेरेपी भी एक बहुत ही अच्छा और सिंपल सॉल्यूशन होता है एक्टिव हेयर फॉल का। उसमें क्या होता है? उसमें आप जो है वो सिरिंज में मेडिसिन को भर लेते हैं, और उसके बाद छोटे छोटे स्मॉल मल्टीपल प्रिक्स के थ्रू जो है वो मेडिसिन आप हेयर फॉलिकल तक पहुंचा देते हैं। कंफर्टेबली रहता है, स्लाइट सा अनकंफर्टेबल हो तो हो, अदरवाइज ये पेनफुल नहीं होता, और सब लोग इसको बहुत आराम से करा लेते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा मेथड है जिससे हम बालों का गिरना टूटना, एक्टिव हेयर फॉल को एकदम से रोक सकते हैं, और उसके साथ साथ फिर कुछ रीग्रोथ ले सकते हैं। उसके बाद बारी आती है जी हेयर फिलर की। तो हेयर फिलर क्या है? मीजोथेरेपी में ये होता है कि मीजोथेरेपी में जो कौन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहता है उसके लिए कि हम हेयर फिलर या मीजोथेरेपी करें, गिरते बालों को रोक लें। और उसके बाद बारी आती पीआरपी की। अब एक और नई चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल्स के बारे में आपने सुना होगा कि स्टेम सेल्स जहां पे भी होते हैं उनका जो एक मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? वो रीजेनरेशन होता है और वो रीजुविनेट करता है। वो तेजी से जिस भी कोई भी सेल होगा या कोई भी चीज होगी जिसको आप चाहते हैं कि वो रीजेनरेट करे और वो तेजी से बनना शुरू हो जाए, इसको वहां पे या उसके लिए यूज किया जाता है। तो बेसिकली जो स्टेम सेल्स हैं ये भी एक इंजेक्शन की फॉर्म में ही अवेलेबल होते हैं, और फिर हम स्टेम सेल्स को जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं, और इससे जो है वो हमें बहुत ही अच्छी रीग्रोथ जो है वो मिलती है।
तो अभी मैंने आपको डिफरेंट कॉजेस बताई हैं हेयर फॉल की और हेयर ब्रेकेज की, यानी कि बालों के गिरने की और टूटने की, और उसके साथ साथ कुछ मैंने आपको बताया है कि आप किस तरह से घर के अंदर डूज एंड डोंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने बालों को बेहतर रख सकते हैं। और फिर मैंने आपको बताया कि क्लिनिक में कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स आजकल अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम तेजी से गिरते टूटते बालों को रोक सकते हैं और उसके साथ साथ आपको नई रीग्रोथ दे सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखें। आपको जो फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो उसके लिए जो है वो आप हमारे गिवन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।